हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ आरबीएससी विषय हिंदी, चैप्टर संख्या 1, पीयूष प्रवाह का फर्स्ट लेसन। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये कहानी उसने कहा, प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 और 1918 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का केंद्र में रखकर बुना गया है। देखिए, इस कहानी में अब तक हमने क्या पढ़ा, अमृतसर की सड़कों के दृश्य के बारे में बताया गया, अमृतसर के चहल पहल के बारे में बताया गया, किस तरीके से सिख बालक बालिकाओं का मिलन होता है, सिख बालक कौन, बालक लहना सिंह अमृतसर के बाजार में अचानक एक बालिका को तांगे के नीचे आने से बचा लेता है और यहाँ इन दोनों का परिचय आरंभ हो जाता है, लहना सिंह और उस बालिका का। दोनों प्राय बाजार में मिल जाया करते थे। बालिका अत्यंत भोली थी, उसके भोलेपन पर रींझकर बालक लहना उसे प्रेम करने लग जाते हैं, ठीक है। और जब लहना सिंह को ये पता चलता है कि इसकी कुड़माई हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा अधीर हो जाता है, ठीक है। अत्यंत अस्थिर चित्त एवं व्यथित होकर अस्वाभाविक हरकतें करता हुआ घर लौट जाता है। इसके बाद वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया, फिर दोनों का संयोग 25 वर्ष बाद, दोनों फिर कब जाके मिलते हैं बेटा, 25 साल बाद, लहना सिंह और वो लड़की, दोनों का मिलन 25 साल बाद अचानक से होता है, जब लहना सिंह ने 77 राइफल जमादार होकर अंग्रेजों की ओर से फ्रांस के रण क्षेत्र के लिए जा रहा था। वह अपने सूबेदार कौन, वजीर सिंह के परिवार से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जो सूबेदार की पत्नी है, सूबेदार ने, वो वही लड़की है जो बचपन में उसे अमृतसर के बाजार में मिली और जिसे तांगे से उसने बचाया था और जिससे लहना सिंह प्रेम करने लग गए थे, ठीक है। सूबेदारनी वही लड़की है, ठीक है। मिलने पर दोनों की पूरी स्मृति जाग उठी, अर्थात दोनों को अपने बचपन की बातें याद आ गई। वह कहती है, तुम्हारी सूबेदार मेरे पति और बोधा सिंह मेरा पुत्र है, ठीक है। क्या बताती है वो, कि जो तुम्हारे सूबेदार हैं वो मेरे पति हैं और जो ये बोधा सिंह है वो मेरा पुत्र है, दोनों तुम्हारे साथ युद्ध में जाएंगे, ठीक है। इन दोनों की रक्षा करना, इनकी सुरक्षा का भार मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कंधों पर सौंप रही हूँ। लहना सिंह केवल अपने कंधों पर ही वहन नहीं करता, परंतु अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वो दोनों के प्राणों की रक्षा करता है। किन दोनों के प्राणों की, वजीर, किस किस की, सूबेदार वजीर सिंह की और उसके बेटे किसकी, बोधा सिंह की, ठीक है। अब देखिए से आगे, दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है, बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और 1 बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, ठीक है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो, लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा। कहो कैसे हो, पानी पीकर बोधा बोला, कप कपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, ठीक है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, तो रोम रोम लहना सिंह ने, ठीक है, ना मैं नहीं पहनता, लहना सिंह अपनी जर्सी उतार कर उसे पहनने के लिए दे देते हैं। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी भी गरम है, आज सवेरे ही आई है विलायत से, बुनकर भेज रही है, मैंने गुरु मेम गुरु उनका भला करे, यूं कहकर
लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूं कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती अपनी जर्सी क्या दी बेटा पहना दी। देखिए कौन लपटन साहब। आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजार सिंह। कौन लपटन साहब, हुक्म हजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय दावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं। इन पेड़ों के नीचे दो खेत काटकर रास्ता है, तीन चार घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले, उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं तक, तब दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। देखिए जब फ्रांस और बेल्जियम के मैदान में जर्मन से भयंकर युद्ध छिड़ा, तो लहना सिंह अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वे अपने प्राणों को दांव में लगाकर भी दोनों की रक्षा करता है। किन दोनों की? सूबेदार और बोधा सिंह की। ठीक है, अस्वस्थ हो जाने पर लहना सिंह उसकी पूरी तरह से देखभाल करता है। आँख मारते कर चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। जब लहना सिंह ने उसे रोका, लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। ठीक है, सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। आँख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में सांप का मुंह देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वो मज़े यहाँ कहाँ। ठीक है, याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगदारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया ना, आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ हाँ, मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे। ठीक है, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के। तुमने सिगरेट नहीं पिया। देखिए अब जब एक रात जर्मन जो था छदम वेश होता है, अपने रंग रूप को छिपाकर, अपने वेश को छिपाकर दूसरा रूप धारण करना, ठीक है, छदम वेश। ठीक है, लपटन साहब की पोशाक पहनकर लहना सिंह के पास आकर
खड़ा हो गया। ठीक है, आदेश देकर उसे फौज की टुकड़ी सहित दूर भेजने का आदेश देता है और सिगड़ी के पास खड़ा होकर सिगरेट सुलगाने लगता है। सिगरेट वे लहना सिंह को भी देता है। तभी सिगड़ी के उजाले में लहना सिंह पीता है और उसे पहचान जाता है और बंदूक को उठाकर जोरदार से उसकी कोहनी पर वार करता है, जिससे वो जर्मन मूर्छित हो जाता है। विपत्ति को समझकर वह वजीर सिंह को आदेश देता है कि जाओ और सूबेदार हजार सिंह को सैनिकों सहित वापस बुला लाओ, नहीं तो जर्मन उस पर धावा बोल देंगे। ठीक है, दिया सलाई लाता है और कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। जब उसे संदेह नहीं रहा, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या तय करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा आंख लगने दी, होश में आओ। कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है, बातें की हैं। कौन कह रहा है? ये लहना सिंह। किसे कह रहे? सूबेदार को। साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया। अब मारे गए धोखे हैं, सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो एकदम, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते यहाँ से दौड़ जाओ। ठीक है, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। ये सब कौन कह रहा है बेटा? लहना सिंह ने कहा। ठीक है, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न, देर नहीं होनी चाहिए। हुक्म तो यह है कि यही ऐसे जैसे हुक्म, मेरा हुक्म। जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। देखिए, ये जो लहना सिंह थे वो तुरंत उस छदम वेशधारी जर्मन को पहचान गए। ठीक है, और उन्होंने उसे सिगरेट भी शेयर की, एक साथ सिगरेट भी दोनों ने पी। लेकिन जो लहना सिंह थे उन्होंने अपनी इस समय बुद्धिमता और साहस से काम किया। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत का समय आए तो उस समय व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमता और विवेक से कार्य करना चाहिए। ठीक है, 8 नहीं 10 लाख, एक एक कालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कोहनी पर तान कर दे मारा। ठीक है, लहना सिंह ने जर्मन द्वारा लगाए गए 3 गोलों को निकालकर खाई के बाहर फेंक दिया। जर्मन लोगों ने जो बेटा खाई में 3 गोले लगाए थे, उन 3 गोलों को लहना सिंह ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने सांप की कोहनी पर तान कर दिया। धमाके के साथ सांप के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा सांप की गर्दन पर मारा और सांप आमीन गोट करते हुए चित हो गया। लहना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकलकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। देखिए किस तरीके से लहना सिंह जर्मन द्वारा लगाए गए 3 गोलों को निकालकर लहना सिंह ने खाई के बाहर फेंक दिया। जब छदम वेशधारी उस जर्मन की मूर्छा हटी तो उसने अपनी पतलून की जेब से पिस्तौल निकालकर लहना सिंह पर गोली चला दी। देखिए, जब साहब की मूर्छा हटी तो लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब,
मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा लहना सिंह ने हंसकर कहा, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? लहना सिंह कह रहे हैं कि आज मैंने यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल सकते। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी, ठीक है। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना कहता चला गया, चालाक तो बड़े होकर मांझे का लहना इतने लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और कोई बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्म हुक्का पिया करता था और कहता कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, ठीक है। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता, डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जानलेवा है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टनी के 2 फायरों के साथ कपाल क्लिया कर दी। गड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है क्या है? देखिए किस तरीके से जो वो जर्मन छदम वेशधारी जर्मन जो था, उसकी जब मूर्छा हटती है बेटा, तो उसने अपने पतलून की जेब से पिस्तौल निकाला और लहना सिंह पर क्या कर दिया, वार कर दिया। उसकी लहना सिंह की जान में लगी। जवाब में लहना सिंह ने फायर कर उसे मौत की नींद सुला दिया। इतने में 70 जर्मन खाई में घुस पड़ते हैं। लहना सिंह अपने साथियों के साथ उनका मुकाबला करता है। उसी समय पीछे से हजारा सिंह भी अपने साथियों के साथ आक्रमण करता है। आक्रमण में 63 जर्मन सिंह अपने साथियों के साथ आक्रमण करते हैं। 63 जर्मन सैनिक हताहत हो जाते हैं। लहना सिंह की पसली में भी गोली लग जाती है, लेकिन वह इस बात का किसी से भी पता नहीं लगने देता। कौन? लहना सिंह, ठीक है। अचानक एक किलकारी और अकाल लहना सिंह के साथियों के संगीत चल रहे थे। आसपास आने पर पीछे वालों ने भी संगीत पिरोना शुरू किया और देखिए वो जर्मन ने लहना सिंह की पसली में भी गोली लग जाती है, ठीक है। लेकिन वह इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने देता और सब कुछ वो सहन करता रहता है और अंत में अपने प्रेम का, ठीक है, अंत में वो अपने लहना सिंह अपने प्रेम का त्याग अपने प्राणों को देकर भी करता है, अपने वचन को निभाता है। वो लास्ट में ही किसको, सूबेदार और बोधा सिंह दोनों को ही इस युद्ध में बचा लेता है, ठीक है बेटा। आज हम इतना ही समझाएंगे, ओके। तो जो भी डाउट हो आप अपने डाउट्स क्लियर करो। डेली की वीडियो आप डेली सुने, ओके। डेली का वर्क डेली करें जिससे आप पर बर्डन ना हो। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप लोग सभी अपना वर्क प्रॉपर रखिए, ओके बेटा। इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, उसमें फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गया आपको कि ये कहानी किस बारे में बता रही है, क्या है इस कहानी में,
ठीक है। और इस कहानी में लहना सिंह के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं सामने आई, देखिए वो आदर्श प्रेम, उसकी बुद्धिमता, शौर्य, त्यागी स्वभाव, कर्तव्य परायणता, ठीक है। यदि आप लहना सिंह के स्थान पर होते तो युद्ध भूमि में क्या करते? लहना सिंह ने तो आप उन दोनों को बचाया, और आप होते तो, यदि लहना सिंह के स्थान पर हम होते तो युद्ध भूमि में लहना सिंह की तरह ही बुद्धिमता, शौर्य और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए युद्ध के मोर्चे पर जर्मन भेदियों के रहस्य व षड्यंत्र को विफल करने के लिए उसका साहस पूर्वक मुकाबला करते, साथ ही सैनिकों के साथ मिलकर जर्मन सैन्य दल को धूल चटाते, साथ ही लहना सिंह की तरह पवित्र आदर्श प्रेम के लिए वचन का पालन करते, और सूबेदार व उसके पुत्र के जीवन की रक्षा अपने प्राणों का बलिदान देकर करता, अर्थात व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर, ठीक है, व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर देश के लिए जीवन व्यतीत करता, अपने वचन को निभाने के लिए प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस पंक्ति को चरितार्थ करता, ठीक है। आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।